मेरठ में आज पुलिस ने दो ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है जो कि दारोगा बनने की ख्वाहिश रखते थे। जी हाँ, वो भी खुद लिखित परीक्षा देकर नहीं बल्कि किसी और से लिखित परीक्षा दिलाकर। जिन दो अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है, इन दोनों अभ्यर्थियों ने किसी अन्य युवकों को ऑनलाइन परीक्षा में बिठाकर परीक्षा दिलवाई, लेकिन ये राज ज्यादा दिन तक छुप ना सका और आखिरकार दोनों युवक आज पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस परीक्षा के कई चरण हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये DVPST यानी जो है वेरिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स और वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स एजुकेशनल डिटेल्स हो रहा था, उसके दौरान जो है ये दो लोग पकड़े गए हैं और साथ ही साथ एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इनसे बातचीत करके पता चला है कि ये इनके स्थान पे किसी दूसरे व्यक्ति ने परीक्षा दी थी, लेकिन चूंकि इसमें बायोमेट्रिक्स होते हैं और बायोमेट्रिक्स में उन्होंने जो है कुछ और लोगों का जो बायोमेट्रिक था, तो यहाँ पे आकर के वो चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट हुई और उसके बाद में इन लोगों को निरुद्ध किया गया। इनके साथ में कुछ और लोग भी थे, वो उनके नामों को पता चल गया, हालांकि वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए और इसमें बहुत गहराई से विवेचना करी जा रही है, इनसे बहुत गहराई से पूछताछ करी गई है और मेरा मानना है कि इससे जो है हमको इस प्रकार की गतिविधि को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। विवेचना के बाद में इसमें और जो लोग शामिल हैं उन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।